नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और इसी कड़ी में सभी पार्टी के नेता जो है वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं भाजपा के सीनियर लीडर संदीप सचदेवा जी के पास। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। सर, जैसा कि अभी दो दिन कल की बात करें तो कल जो है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जो है वो नारायणगढ़ आए थे, लेकिन उन्होंने अंबाला कैंट और अंबाला सिटी में आना जायज नहीं समझा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, कांग्रेस पार्टी अपने युवराज को बचाकर ये दिखाना चाहती है कि वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां सीटें जीतते हैं। तो इसका मतलब ये निश्चित तौर पर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे में ये मान लिया है कि सिटी और कैंट में कांग्रेस के प्रत्याशी बुरी तरह हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को इन हलकों से दूर रखना ही बेहतर समझा। और यहां मैं एक और स्पष्ट कर दूं, इससे पहले खड़गे जी ने भी अंबाला विधानसभा से दूरी बनाई थी, जो निश्चित तौर पर यह इंगित करती है कि कांग्रेस लीडरशिप ने जो टिकट वितरण किया है उस पर अब उनको अफसोस है और वे मान रहे हैं कि अंबाला सिटी और कैंट में कांग्रेस का प्रत्याशी हार रहा है। सर, आप कांग्रेस की गुटबाजी को किस प्रकार देखते? देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी उनके लीडरशिप ने स्पष्ट कर दी। अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो अंबाला में निश्चित तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप आती। पहले खड़गे जी ने ना आकर शैलजा के दबाव में ये साबित किया कि कांग्रेस में जो दलितों को दबाने की प्रक्रिया शुरू हुई है और जिसका विरोध कुमारी शैलजा जी कर रही हैं, उसके निमित्त वो सब लोग खड़े हैं और कांग्रेस के इन्हीं लीडरों की फूट की वजह से निश्चित तौर पर कांग्रेस हार रही है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, कुछ दिन पहले हुड्डा गुट की तरफ से कुमारी शैलजा के लिए कुछ शब्द कहे गए थे, लेकिन कल की जो फोटो में दिखाई दे रहा है कि वो राहुल गांधी जो हैं वो उन दोनों को हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप को आज हुड्डा जी और शैलजा जी के हाथ पकड़वाने की नौबत आई है। अगर आप उस पूरी क्लिप को ध्यान से देखें तो जिस प्रकार बहन शैलजा ने हाथ छिटक कर अपना मान और सम्मान बचाया, मैं निश्चित तौर पर कुमारी बहन शैलजा जी को दाद दूंगा कि उन्होंने जिस दिलेरी से महिलाओं के मान और सम्मान के लिए काम किया और अपनी आवाज को अपनी लीडरशिप के सामने बुलंद किया, निश्चित तौर पर वो बधाई की पात्र हैं। और दलितों का जो ये दबाने की प्रक्रिया कांग्रेस करती है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को हार का सामना इसमें करना पड़ेगा। सर, भाजपा के अंबाला में किस प्रकार की लहर चल रही है? क्या भाजपा जो है वो सीट हासिल कर सकती है अंबाला? देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी की जो चरित्र, जो इतिहास है, उससे सारी अंबाला की जनता भय में है और उनको ये निश्चित तौर पर है कि वो अंबाला में आकर अंबाला के भाईचारे को खराब करेंगे, अमन शांति को खराब करेंगे। क्योंकि आप ये यकीन मानिए कि कैंट की जागरूक जनता ने उनको 3 बार चुनाव हराकर वहां से भेजा है, क्योंकि उनको पता था कि कैंट में माहौल खराब होगा, पारिवारिक रिश्ते लोगों के टूटेंगे, इसलिए वो कैंट से लगातार चुनाव हार रहे हैं। इसीलिए पार्टी ने कैंट से उनको टिकट ना देकर अब अंबाला के माथे पर उसको थोपा है और मुझे पूरा यकीन है कि अंबाला की जागरूक जनता भी कैंट की जागरूक जनता के साथ सांझ करते हुए इस बेटी और पिता की, दोनों की जो जुगलबंदी है, दोनों को ध्वस्त करेंगे और अंबाला को भयमुक्त, सुरक्षित और एक अच्छा वातावरण देंगे इस चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर संदीप सचदेवा। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।